तो पूरा मस्त होंगे क्या इस, क्योंकि यहाँ में मेरा दोस्त है चिक्यू ब्रदर, क्योंकि ये भी मस्त है ना, तो होप कि आप भी मस्त होते होंगे। दोस्तों यहाँ जो अपना चिक्यू ब्रदर जा चुका है घर, एंड यहाँ जो अपना भैया लोग तो आया था। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने मीटिंग में, एंड ये आप सभी को पता होता होगा यहाँ में हम लोग का दुर्गा पूजा होता है जिस जगह। ये हम लोग का हेड बना है इस बार छठ पूजा का, और पराठा का मतलब बहुत ही मस्त टेस्ट होता है यहाँ खाने के लिए। जय श्री राम दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम वेलकम बैक टू द अपनी ब्लॉग, मैं हूं के साथ आपके भाई बी के ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूं गाइस आप तो पूरा मस्त होंगे क्या इस, क्योंकि यहां में मेरा दोस्त है चिक्यू ब्रदर, क्योंकि ये भी मस्त है ना, तो होप कि आप भी मस्त होते होंगे। ऐसा है क्या बोलो तो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना। और इधर जो है हमारा अमृत भाई है कि नहीं? Actually, क्या है कि मैं थोड़ा अपना जो थंबनेल है ना उसको बना रहा हूँ, तो उसी के कारण नाराज मत होना व्यूअर्स, और इनको देर सारा प्यार देना। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ जो छोटा भाई, क्या नाम है भाई? राजेश। राजेश, एक बार अच्छा से बोलो राजेश। राजेश बढ़िया। तो गाइस मैं चैनल में नहीं आता, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेगा देखने, और मैं भी आपको अच्छे से ब्लॉग दूंगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा लेकिन हाँ जरूर से। तो गाइस एक और बात बता दूँ, जे थ्री फैमिली जो है वो लोग से अभी जस्ट हम अभी चिकू ब्रदर और हम मिले ना, तो गाइस सबसे बड़ा मेरा भूल एक है कि अभी जस्ट उनका क्लिप लेने भूल गया हम, तो वो लोग शायद पम्पम भैया का अपना रिजॉर्ट में शायद थैंक फेरेंगे, तो देखते हैं अगर टाइम मिले तो उनसे मिलने जाएंगे और उनसे बात होते करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहे। तो बोलना चाहेंगे दोस्त? मैं तो कहना चाहूँगा इतना खुशी उससे मिल गया ना, उससे मिल गया अचानक से पूरा सरप्राइज हो गया, मतलब चौंक गया मैं देख के, ऐसा है क्या? तो बहुत मन खुश हुआ एक्चुअली गाइस। इसको हम मैं बताया इसको अभी जस्ट मार्केट में, मैं भी मतलब देख के चौंक गया था एक्चुअली। यूट्यूबर बोला एक्चुअली गाइस ना, वो ऐसे मतलब जो है सर जो है इधर मैं वैसे देख के वीडियो बना रहे थे, तो मैं फेस उनका देख नहीं पाया, तो कोई होता होगा तो बाद में मैं देखा बाहर, अरे इनको तो मैं जानता हूँ बोल के, इसलिए कॉन्टेक्ट करने के बाद उठ गया, तो उनका थोड़ा जल्दी में था बोल के निकल गए, और यहाँ बैठने उठने के लिए कुछ कुर्सी वर्सी लाया था, तो फटक से निकल के चला गया ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग अगर टाइम अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग शाम के बाद चल के देखेगा ना, बिल्कुल ना। और गाइस आज तो हम लोग का मीटिंग भी है जो कि ये छठ पूजा का एंड दुर्गा पूजा का जो भी है, तो उसमें भी थोड़ा हमको टाइम लगेगा, तो देखते हैं टाइम मिलता है जरूर से जाएंगे। तो गाइस मैं जो चैनल में नए आते हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यहाँ जो अपना चिकू ब्रदर जा चुका है घर, एंड यहाँ जो अपना भैया लोग तो आया था, जो दो तीन भैया लोग था, मुन्नू भैया लोग, तो सब कुछ चला गया, वो गाड़ी में तो आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि गाइस वो गाड़ी में बैठ कर सो आराम कर रहा था इसके लिए, और जो अपना बताए थे अंकल और आंटी आए थे वो तो अभी चले गए, शायद मुंबई का रिजॉर्ट में गए हैं या तो घर गए होंगे मुझे। यहाँ अपना जो है समीर दाजू एंड वो राहुल दोस्त आ चुका है कुछ ये डीजे लेने के लिए। अच्छा ना, डीजे लेने के लिए उस समय में कुछ समझ नहीं दिया, डीजे का छोड़ दिया, इसलिए हम आए हैं ना। तो अभी हम बॉक्स जो मतलब दिया था, इसको तो पहले हुआ था, बॉक्स लेके चला गया जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, ये चार्जर ही भूल गया एक्चुअली गाइस, मेरा गलती है क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी इसको भेजने के चक्कर में था, क्योंकि वो भी थोड़ा कुछ सामान में लेना था ना इसके लिए ना, तो आप वहीं में है ना पूजा में, उनको चलो डीजे डांस वास होगा बोलने से तो पूजा पर नहीं जाएगा, इस तरफ पम्पम भाई का उस तरफ, हां उधर हम वही है वही वही जा सकते, ठीक है चलिए मिलते हैं ना फिर, ओके बाय बाय गुड नाइट। तो गाइस अभी जो है हम ओके ठीक है बाय बाय मिलते हैं। सो गाइस अभी जो है अपना पम्पम भैया का रिजॉर्ट में जाना है ना, कहाँ जाना है एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं है, बट लेकिन आप सभी को मैं बताया हूँ कि आज मेरा छठ पूजा का मीटिंग है, जो कि हम लोग का थोड़ा भैया लोग बैठ के बात करेंगे कि कैसा कैसा क्या है क्या नहीं है, तो इसके कारण हम शायद नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देंगे, अगर हम जाएंगे तो जरूर से आप लोग देखने मिल जाएगा, जरूर से आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ जाने से जो भी है सबको देखने मिल जाएगा। तो अभी चलिए फिलहाल के लिए अभी के लिए बाय बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने मीटिंग में, एंड ये आप सभी को पता होता होगा यहाँ हम लोग का दुर्गा पूजा होता है जिस जगह पे, एंड इस जगह पहुँच चुके हैं, और यहाँ पीछे मीटिंग भी स्टार्ट हो गया, तो मैं बस आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, और क्योंकि वहाँ जो वीडियो करूँगा तो थोड़ा वो लोग नर्वस फील करेगा, फिर भी देखते हैं चलिए। ये हम लोग का हेड बना है इस बार छठ पूजा का मेन कमिटी कैशियर, और गाइस यहाँ जो है अपना मीटिंग खत्म होते हुए चलिए निकलते हैं हम लोग घर की ओर, और ये जो है अपना पास में दुर्गा पूजा का जो मंदिर है वो बन गया, एंड वो बहुत ही जल्द आने वाला है दुर्गा पूजा, जो कि इसके लिए अभी काम चल रहा है जो कुछ बाकी है, तो इसमें बहुत ही मज़ा वाला व्यू देखने को मिलेगा, आप लोग जरूर से बने रहिएगा वीडियो में। मेरा जो है दूसरा दिन से मतलब ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि गाइस कल जो था मेरा ब्लॉग जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को जैसे पता था कि कल जे थ्री फैमिली जो आया था
उन लोग से मिलना था, तो आप सभी को देखने को मिल जाएगा मैं ब्लॉग में। क्योंकि गाइस आज जो है रात को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मीटिंग हो रहा था हम लोग का, वहीं में मतलब 11 बज गया, तो हम लोग सोचा कि अगर ज़्यादा लेट हो गया तो मतलब उतना लेट में मतलब जा नहीं सक गया बोल के, तो नहीं जा पाया, तो इसके लिए दिल से सॉरी गाइस, आप सभी को नहीं दिखा पाया क्योंकि आंटी और अंकल लोग कहाँ में थे और क्या बात करना था थोड़ा बहुत। तो हम लोग जरूर बहुत ही जल्द हम लोग अभी ईटानगर जाने वाले हैं, तो वहाँ में आप लोग को ब्लॉग भी बना के दिखा देंगे, तो आप लोग को भी मज़ा वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। और गाइस अभी जस्ट मैं जिम से जाके जस्ट अभी पहुँचा ही हूँ, तो यहाँ अपना चिकू ब्रदर एंड अमृत भाई आ गया। एक्चुअली मैं बाजार गया था, मम्मी जो है ड्राई फिश वगैरह खरीद के रख दिया था, तो उसी को लेने के लिए गया था मैं, और मेरे पास तो पैसा तो नहीं है ना, मैं जाऊँगा बोल के थोड़ा बहुत टोटल था उसको सेल करके पैसा वैसा मिला। अच्छा। और उससे मार्केटिंग किया, लास्ट में 300 बचा, तो वहाँ पर तो खेत में तो फोन का जरूरत पड़ता ही है, इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है ना, उसी के लिए रिचार्ज करने के लिए दे दिया 300 से। तो अमृत भाई भी साथ में? साथ में, मैं तो मतलब वहाँ में काम में जाना बोला था ना, तो फिर तो अंकल का घर पे, अच्छा उसमें काम पर रहा बोला था, मम्मी को बोला था मुझे काम मदद करने जाओ, तो मैं इसको बोला था सुबह को काम मदद करने जाएगा क्या, तो ये बोला मैं ब्रश कर रहा हूँ नदी पर, तो यहाँ से आने के बाद जाएंगे काम पर, तो घर भी पहुँच गए तो बोलते मार्केट जाते थोड़ा बाजार जाके आते मंडी बाजार। अच्छा अच्छा ठीक है, इसी के साथ आएंगे। अच्छा सही है सही है। तो गाइस यहाँ जो है अपना दोस्तों को पानी पिला दिए, और एक्चुअली गाइस मेरे घर में भी जो है मेरा दीदी और पापा और मम्मी लोग मतलब घर पे नहीं है, कहीं और गया, तो इसका आकार कुछ नहीं बना सकते हम अभी तो चलिए हम लोग थोड़ा देर यहाँ बात होते करते हैं, उसके बाद थोड़ा होटल चलते हैं, थोड़ा चाय साय पीते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, तो बने रहे वीडियो में तक, चलिए निकलते हैं हम लोग। दोस्तों पहुँच चुके हैं हम अभी अनिल भैया का होटल पे, एंड जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये जगह का होटल में इस जगह पे मतलब चाय और पराठा का मतलब बहुत ही मस्त टेस्ट होता है यहाँ पे खाने के लिए, तो हम लोग तो अभी चाय पी रहे हैं और इसके साथ खुरमा, और ये देखिए चिकू ब्रदर पराठे से। फर्स्ट टाइम खा पी रहा हूँ चाय, फर्स्ट टाइम ना, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनता है, चीनी भी एकदम बढ़िया पूरा लेवल तक ना, मीडियम। तो एक्चुअली हम यहीं में आता है मतलब चाय पीना हो या तो पराठा, पराठा तो बहुत ही टेस्ट होता है भाई साहब, यहाँ पर आएगा जरूर आना और दोस्तों को भी लेके आना। तो गाइस एक जो अमृत भाई जो है वो गया इधर कहीं कुछ काम से, वो आएगा थोड़ी देर में, उसके बाद हम लोग साथ तक लेंगे, खा देता हूँ। तो गाइस चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आप सभी से।